नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई, सुबह सुबह हो चुकी है और कोहरा, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं, स्टार्टिंग से सुबह से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक बहुत टाइम हो गया है जब मैंने प्रॉपर वीडियो सुबह से नहीं बनाई है। मतलब लगभग हो गए होंगे 15-20 दिन। जो पहले की वीडियो शूट रखी थी वही चल रही थी, वही चल रही थी। तो आज सोचा चलो आज बनाते हैं। तो भाई, क्या होता है कि ठंड के मौसम में, और हाँ, ये सारे कपड़े, ये देखो, ये सारे गहनू के वुलन कपड़े हैं, जो कि उसके स्कूल के, और क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टियां फिर से बढ़ गई तो मैंने कल निकाल के इनको रख दिया था कि आज से गहनू स्कूल जाएगा। लेकिन सब फिर से छुट्टी हो गई, तो इसमें जो गहनू के वुलन कपड़े हैं वो हैं, और जैकेट मैंने धुली थी वो अभी लाके मैंने टांग दी है। तो खैर, खराब तो बहुत लग रहा है। सामने मिश्रा जी ने उस दिन डांटा भी था कि इधर मत टांगा करो, इधर खराब लगता है, लेकिन वो हैबिचुअल हो जाता है। जैसे इसमें खूंटी बनी हुई है तो वो हैबिचुअल है, जल्दी से लाओ, टांग दो, फिर बाद में रखो तो काम डबल हो जाता है। लेकिन अभी मतलब सुबह सुबह रहती है ना, तो जल्दी जल्दी में चलो भाई कर दो। तो हाँ, आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, अभी कुछ दिन से आप लोग वीडियो नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो प्लीज अगर कोई कमी है तो उसको बताओ मुझसे, मैं अपनी कमी को ठीक करूंगी। और प्लीज आप लोग वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आपकी बहुत 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 कृपा होगी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं काफी टाइम बाद अपना पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मतलब क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, और इन सर्दियों में भी वेट मैं गेन नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी कि आप लोग क्या कर सकते हो जिससे कि आपका वेट गेन ना हो। तो जैसे होता है ना कि सर्दियों में हम पानी नहीं पी पाते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा पीना है, और वो भी पानी अगर आप ठंडा ठंडा नहीं पी पाते हो, मतलब तुरंत वाला, तो आप थोड़ा सा गुनगुना कर लो, गर्म कर लो, उसको पियो, तो इससे भी वेट नहीं गेन होगा और साथ ही साथ आप पानी भी बहुत ज्यादा पी पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि ऑयली चीजें मत खाना, क्योंकि ऑयली चीजें ना इस मौसम में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन कोशिश करना कि मत खाना, वरना वेट गेन हो जाएगा अगर आप खाते हो तो। आज हमारे यहाँ आया है पालक, और पालक का सकपहता आज हम लोग बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ ना पालक का सकपहता बहुत पसंद आता है सभी को, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वही बना लेते हैं। तो पालक का सकपता बनाएंगे, और टमाटर भून के उनकी चटनी बना देते हैं, तो दो चीजें हो जाएंगी और सारे लोग आराम से खा भी लेंगे। तो चलिए जी, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अभी तो घर पूजा नहीं किया है, पूजा भी करना है। तो जी, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि आज चलो हेल्दी सा खाना खाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे पालक है, तो पालक सकपहता हमारे घर में इजीली खा लेते हैं सब लोग, लेकिन कभी कभी ना बोर भी हो जाता, कितना आप सकपहता ही खाओगे। तो मैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बना देती हूँ, कभी आलू के साथ मिक्स करके, या फिर कभी थोड़ा सा और तड़का उड़का लगा के, और कभी कभी तो इसके पीस के भी बना देती हूँ आलू के साथ मिक्स करके, जैसे निमोना बनाते हैं ना वैसे, और कभी कभी इसको पीस के पराठे के तरह या फिर पूड़ियों की तरह बना देती हूँ। मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मुझे हेल्दी खाना खिलाना है इन लोगों को, कैसे भी करके। और आपको पता ही होगा कि बच्चे हों या फिर बड़े हों, हेल्दी चीज़ें खाना वो पसंद ही नहीं करते हैं जब तक वो चीज़ें टेस्टी ना हों। तो कोशिश यही रहती है कि पूरी तरह अच्छी तरह से उनको टेस्टी बनाया जाए, और साथ ही साथ उनका जो अच्छा चीज़ है, मतलब जैसे पालक है तो उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब ना हो, तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है। और इसी के साथ ही सारी सब्जियों को मैं कुछ इधर उधर करके बनाती हूँ इन लोगों के लिए। जैसे कि मिश्रा जी लोग हो गए ना, तो ये बहुत सी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन लोगों को खाने के लिए। देखो, मेरे साथ तो क्या है कि मुझे जो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं उनको अगर मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरी हेल्थ के लिए अच्छी हैं तो मैं उनको खाती हूँ। लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए क्या करें, समझ में नहीं आता है, और घर के बच्चे और जो आदमी लोग होते हैं उनके ज़्यादा ही नखरे होते हैं, तो उनके नखरों को मिटाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे जुगाड़, बहुत सारा जतन करना पड़ता है। और आप लोग भी करते हो तो ज़रा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ।
तो जी उधर साग चढ़ा दिया, दूसरी तरफ चढ़ाया चावल, साथ ही पक जाएगा। और फिर अपना जो अजवाइन वाला पानी होता है उसको मैंने पी लिया, और गरम गरम ना इतना अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ठंड थोड़ा सा ज़्यादा होने लगी है, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो जिसके कारण बड़ा आराम मिला जब गरम गरम सा गया। और ये जब सकपहता बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा आटे का, चाहे गेहूं के आटे का या फिर चावल के आटे का, मतलब मेरे ससुराल साइड चावल के आटे का घोल डाला जाता है, लेकिन मेरे मायके साइड गेहूं के आटे का डाला जाता है। तो इससे एक सोंधापन और जो थिकनेस होती है वो आती है, एक बाइंड सा बन जाता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी इसको, मतलब जब ये आटे वाला डालने के बाद। तो आप चावल का भी डाल सकते हो, गेहूं के आटे का भी डाल सकते हो, किसी चीज़ के आटे का आप डाल सकते हो, जो फिर आपको अच्छा लगे वो आप हमेशा यूज़ करो, आपकी फैमिली में जो अच्छा लगे, जो खाया जाता हो। तो भाई सारा निकाल लिया है, और इसको ना कुछ ऐसे तड़का देना होता है, तो इसमें थोड़ा सा लहसुन और हींग ज़्यादा जाता है, तो उसी का एक टेस्ट आता है। और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ढक देते हैं, फिर ढकने के बाद इसको अच्छे से चला वला के रख देते हैं, जिससे कि जो हमने छौंका है वो छौंक अच्छे तरीके से लग जाए। तो अब कोई इसको अकेले तो खाने वाला था नहीं, क्योंकि सकपहता के साथ सिर्फ चावल रोटी नहीं खाई जाएगी, तो मैंने एक जुगाड़ और निकाला कि चलो टमाटर की चटनी बनाते हैं, भुने टमाटर की। तो मम्मी ने ये आग जला के रखी थी, तो यहाँ पे मैं आई और टमाटर डाला, टमाटर के बाद वो भुने क्या बोलते हैं लहसुन, और एक हरी मिर्ची भी भून ली, तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप कभी ट्राई जरूर करिएगा और फिर बताना मुझे कि हाँ आप लोगों ने ये चीज़ ट्राई करी है। तो ये देखिए कुछ ऐसे भून लिया, और फिर सारे लहसुन छील के और टमाटर को ना थोड़ा सा धुल लीजिएगा, क्योंकि जब ये फटते हैं तो अंदर थोड़ी सी राख वख लग जाती है, तो उसको अच्छे तरीके से धुलना होता है। वो जैसे ही आप पानी में डालोगे ना, सारा राख वख बाहर आ जाएगा सब, या फिर आप गैस पे भी इनको पका सकते हो, जैसा आप प्रेफर करते हो। खैर हमारे यहाँ तो आग जलती है, तो आग के भुने हुए का टेस्ट अलग ही होता है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स कर ली गई, और ये जो लहसुन है ये बड़े इजीली फूट जाते हैं हाथों से, और हरी मिर्च भी बड़े आराम से टूट जाती है। तो भुनी हुई हरी मिर्च मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन अच्छी लगती है मुझे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें सरसों का तेल, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। बस अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको आप पराठे के साथ, रोटियों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, बड़ा टेस्टी लगता है, और रोटियों के साथ और पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्राई करना और फिर बताना मुझे, देखो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में ही। तो उसके बाद चलो भाई रोटियां सेक ली जाए, क्योंकि मिश्रा जी के जाने का भी टाइम हो गया है, तो रोटियां सेकते हैं और फिर क्या देते हैं, भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के लिए हम लोग लहसुन प्याज जब डाल देते हैं किसी चीज़ में, तो फिर उसको भोग नहीं लगाते हैं, तो इसलिए मैंने दूध और चावल का भोग लगा दिया था, खीर टाइप का बना के, मतलब थोड़ा सा दूध पका लेते हैं बस, उसी को चावल टाइप कर देते हैं, मतलब खीर टाइप कर देते हैं। तो ये रही जी हमारी पूरी थाली बन के तैयार हो गई है, तो मिश्रा जी को बुलाते हैं और खाना देते हैं उनको, उनके लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैं खाऊंगी, और मैंने खाया था सिर्फ रोटियां, मैंने चावल नहीं खाया था, और मैंने थोड़ा सा अपने लिए ना प्याज भी अलग से काट ली थी, प्याज थोड़ा सा ना वो कलहाड़ लेती हूँ उसमें तवे में, तो उसका टेस्ट बड़ा बड़ा बहुत 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 अच्छा होता है। तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है प्याज वाली, और ये मतलब मेरी मम्मी के, सासू माँ की नहीं, मेरी मम्मी की। और पहले यहाँ पे जब मैंने पहले पहले बनाया था ना, तो सब लोगों ने बड़ा मुँह बनाया था कि अरे ये क्या है, ये क्या है। लेकिन अब अगर मैं बनाती हूँ तो फिर सारे लोग मांगते हैं, मिश्रा जी का भी फेवरेट हो गया, मेरी ननंद का भी, और मम्मी का भी, हम सब का। तो फिर उसके बाद 2:30 के आसपास मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो अमरूद रखा हुआ था, तो मैंने एक अमरूद कट करके खाया, थोड़ा सा काला नमक मिला के, बड़ा ही टेस्टी सा था। मतलब आजकल जो अमरूद आ रहे हैं ना, बड़े मीठे मीठे से आ रहे हैं, और ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कब्ज वाली समस्या है, या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप अच्छे से अमरूद काट के खा लीजिए। हाँ थोड़ा सा इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो शाम और सुबह दोनों मीटिंग नहीं खाना है, दोपहर में आप आराम से खा सकते हो। तो ये देखिए हमारे यहाँ लड्डू बने थे, तो
तो मैं और ज्ञानू लड्डू खाएंगे, तो एक तिल और एक ये मूंगफली के लड्डू मैं खाऊंगी, एक तिल और एक मूंगफली का लड्डू ज्ञानू खाएगा। तो दो मैं लेके आ गई थी छत पे, सॉरी छत पे नहीं, कमरे में आई थी, क्योंकि थोड़ा सा ठंड लग रही थी, हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो नीचे ही बैठते हैं। तो शाम हो गई है काफी, और आज सोचा गया कि चलो भाई रूटीन में आ जाते हैं। तो बस शुरू हो गया हमारा टहलना, और यहीं पे टहलूंगी, कहीं मतलब बाहर नहीं जाती हूँ मैं, आप लोगों को पता है। तो बस यहीं पे करीब 1,000 कदम के ऊपर चलूंगी, और यहाँ पे ना बढ़ाए जा, और वीडियो में आप भी जाओगे। तो अभी टहलते हैं, फिर उसके बाद मिश्रा जी को चाय बना के दूंगी, जाऊंगी, क्योंकि मिश्रा जी आ गए हैं, तो मैंने सोचा पहले अपना पूरा कर लेते हैं वरना शाम हो जाएगी, तो फिर जाऊंगी भी नहीं बाहर, डर लगने लगता है। चलो भाई, तो पूरा वो वाला जो पेड़ है, वो वाला वहां तक जाती हूँ, और इधर से यहाँ तक जाती हूँ, और काफी देर तक टहल रही हूँ। और आपको पता, मुझे ना टहलने में इतनी मतलब बहुत मजा आती है, और साथ ही साथ बहुत सारे मैंने बदलाव भी देखे हैं अपनी बॉडी पे, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से। तो बोला नहीं जा रहा, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं ना तो और बहुत ही आप सांस लोगों के कमेंट आते वाली हैं दिक्कत कि हो जाती आप है। कितना चल लेते हो, तो मैं एग्जैक्ट बता दूं 1,500 कदम के आसपास चलती हूँ, जिसमें कि मेरा 1 किलोमीटर होता है और वो 13 से 14 मिनट के बीच होता है, आसपास होता है कुछ। तो बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए नहीं चलती हूँ, आराम से चलती हूँ, तो इसमें इतना ज़्यादा हो जाता है। और शाम टाइम मैं थोड़ा सा तेज कदम से चलती हूँ, मतलब आप सोच लो कि दौड़ते हुए चलती हूँ, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 1,100 के आसपास हो जाता है, 1,100 कदम 1 किलोमीटर होता है। और भाई देखो, अब वेट लॉस किया है इतना मुश्किल से इतने दिन में, तो इसको बढ़ने तो नहीं दूंगी, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत मैं करती हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप करिए, मुझे देख के आप भी मोटिवेट होइए। और बहुत इजी नहीं होता है वेट लॉस करना, लेकिन हाँ अगर आप चाह लो ना तो कुछ भी टफ भी नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करिए। थोड़ा सा मतलब जैसे आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, तो आप शाम में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर किसी भी टाइम आप कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो कुछ ऐसा था आज का व्लॉग, और क्या है अभी मैं थोड़ा सा ये किचन विचन जो मैसी पड़ा है वो सब ठीक करूंगी। तो क्या हुआ कि हाँ, आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे आप डेली रोड टहलते हो तो आप एक ही जगह पे टहल सकते हो, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे आप दूर टहलते हो ना, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट अलग होता है, ये वाला इफेक्ट अलग होता है, थोड़ी जगह में टहलने का भी अंतर अलग होता है, मतलब वो चलने में समझ में आ जाता है। जैसे आज काफी टाइम के बाद मैं बाहर चली हूँ, टहली हूँ, तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने बड़ी हैवी एक्सरसाइज कर दिया हो, जबकि मैं छत पे डेली टहलती हूँ 20 मिनट के आसपास, लेकिन वही 20 मिनट आज मैंने बाहर टहले हैं, तो उसका कुछ अलग ही लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। और टहलना अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टहलो, मतलब वॉक के लिए आप जरूर टाइम निकालो, क्योंकि एक वॉक करने का एक अलग चीज होता है, जो आपकी बॉडी पे अलग अंतर आते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। डाइट पे जाहिर सी बात है ध्यान रखना पड़ेगा, खाना आराम से चबा के 32 बार खूब अच्छे से चबा करके खाना है, और हेल्दी चीजें खाना है। और अगर हाँ, अगर आप गुड़ भी लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, तो गुड़ मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, अजवाइन वाला पानी लीजिए, गुड़ लीजिए। तो अगर आपको इससे पीरियड वाली दिक्कत है, मतलब आगे पीछे हो जा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने हो ही नहीं रहे हैं, जैसे वो क्या PCOD वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उससे भी आराम मिलेगा, मतलब आपको आ जाएंगे टाइम टू टाइम अजवाइन केसर वाले पानी से और गुड़ से, बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो ट्राई करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।